नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आज हम आसिफ भाई जी के 15/0/23 की पेड्डी करना पा गए 23 पे। हाँ जी। तो जिसका बीज भी बेच दिया भाई जी ने मिल के थ्रू। हाँ जी। तो आसिफ भाई जी ये बताओ, इस पे आपने क्या क्या स्प्रे करी और क्या क्या उपकरण आपने आजमाए, क्योंकि हमारे किसानों की डिमांड है। हाँ जी। कि आसिफ भाई से ये पूछा करो कि आपने स्प्रे क्या करी, पूरी डिटेल पूछा भाई किसान भाई। भैया इसमें जो क्रोजन है 1 लीटर वाली, वो तो मैंने यूरिया मिला घेर दी थी, पानी भर गए। अच्छा। और क्या नाम है, मैंने इस पर रॉकेट और एक और जैंट के नाम से आती है सीसी। अच्छा जी, वो 5 बीघे में सीसी लगती है, उसकी मिला के स्प्रे मारी थी। अच्छा, कितने रुपए की सीसी है भाई? वो सीसी आती है जी भैया 550 रुपए की। अच्छा, और 5 बीघे के लिए? हाँ, 5 बीघे के लिए। और वो देते हैं क्या नाम है, वो दुकान में लाला जी 600 की, पर हम कहते हैं हमारे 550 रुपए की आई। चलो जी, वो तो खैर 10-20-50 रुपए आप इस दर में कम कर देते होंगे। तो आपके खेत पे कोई भी कीड़ा नहीं? बिल्कुल। और देखो जी, पौधा गन्ना बन चुका है, ये पौधा गन्ना है भाई जी का, और पेड्डी पे चलेंगे भाई जी के अभी। और ये है 23। हाँ जी, 15/0/23। यार हमारे बड़ौदा क्षेत्र में भी बहुत किसानों ने 23 बो रखा, इतनी पकड़ नहीं है, मतलब पौधा गन्ना बो रखा और परेशान है। बिल्कुल जी, ब्याह भी नहीं। बहुत भाई बड़े सुने के आसिफ भाई, हम तो गन्ने में 15/0/23 से पिछड़ गए बहुत ज्यादा। हो सकता है कि जमीन की पकड़ ना हो। जमीन की पकड़ नहीं करना, आपके सामने हमारा गन्ना खड़ा है। तो आप ये बताओ, जमीन की पकड़ का कारण क्या है? पकड़ का कारण भैया ये है कि गन्ने में जैसे हम नुलाई उड़ाई ज्यादा नहीं कर पाते किसान भाई। नुलाई जुलाई है आज, तो की तारीख 23 जुलाई। तेईस जुलाई हाँ जी। और ये आपका पेड्डी गन्ना है? पेड्डी गन्ना है 23 का। हाँ जी। मतलब आज तो इत्तेफाक हो गया कि 23 जुलाई और 23 का बीज दिखा रही। हाँ जी। देखो जी, ये पेड्डी गन्ने का आपका इंतजाम कर रखा भाई ने। गोंड मुझे इतना देखो, जब मैंने बोर्ड किसानों को दिया था बीज, गोले पत्ते गोले सुधा घाट में यहाँ से कटके मिल वाले दिवा था 550 रुपये क्विंटल। अच्छा। तो भैया मैंने इसका हिसाब जोड़ा, लिखड़ा मेरा गोला पत्ते सुधा 130 क्विंटल का बिका। किसान भाइयों, ये देख सकते हो आप, यो 23 गन्ना है भाई जी का। गोंड दिखाओ भाई जी एक बार जरा, ऊपर तक कितनी मोटी हो रही एक बार। ये पहला जोड़ा लग गया भाई खेत में। मुझे इसका तो नूर लगा है कि पूरी काफी अच्छी, इसे तो किसान भाई सुन लो। हाँ जी, यो पहला जोड़ा है भाई। हाँ जी। कितने फुट पर लग गया होगा भाई? मान के चलो 4 फुट। 4 फुट पर कम से कम, 4 से 5 फीट के बीच में पहला जूना लग चुका है। हाँ जी। और पूरी देख लो भाई, देखो जी पूरी, अब भी एक बिलान न बजा होगा। वाह भाई साहब, देखो मैं तो ना रखूंगा अपने पास में 0-247 और 15/0/23, मेरे पास में 1400 भी खड़ा है। लेकिन इसमें 15/0/23 में ऐसा क्या है कि हमारे किसान बहुत परेशान है? परेशान क्यों है किसान भाई को, दवाई इसमें ज्यादा हाई मार देते हैं, वैसे कैसे लागे कुछ नहीं चाहिए इसमें, इसे ज्यादा दिन दवाई नहीं चाहिए। हमारा रॉकेट होया, हमारा ओरजेंट होया, मैंने आप किसान भाई को बताया था वीडियो में तुम्हारी में इसमें। तो भाई इसमें हल्की स्प्रे मार रही। तो यार आसिफ भाई जी, आपको बहुत जानकारी हर गन्ने के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत किसान मेरे से कहते हैं कि आप आसिफ भाई जी की वीडियो बनाओ, आपके पास हर एक गन्ना बिल्कुल सॉलिड खड़ा है। किसान भाइयों, इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है, सामने बिल्कुल आप देख सकते हो पहला जूना लगा हुआ है, देखो। और गन्ने की पोरी देखो कितनी लंबी बन रही, ये गोंड है देखो, और देखो जी इतनी मोटाई, मैं खुद अपनी पत्ती उतार रहा। देखो जी इसके ऊपर पोरी के ऊपर पोरे, देखो 23 गन्ने। नहीं, इसका गिरने का लंबर आ या रहो पत्ती सामने से, इतने इसका गिरने का लंबर आवेगा, इतने मैं सोचता हूँ कि मैं सीढ़ी से बांध दूंगा इसे। अब इसकी एक बंदाई होगी जी, करीबन इसकी 8 बंदे हो जाऊंगी। 8 बंदे हो जाओगी? हाँ जी। अभी तो कभी फरवरी के बाद छिलेगा ये? हाँ जी। नहीं, ये मेरा पेड्डी गन्ना है ना, तो ये मान लो दिसंबर में गिर जाएगी जी। अच्छा, पेड्डी गन्ने को तो खैर दिसंबर में छिल, दिसंबर में चल डल। तो इसको रोकेगी नहीं थोड़े बहुत दिन? है जी, इसे रोकोगे? देखो किसान भाई, असोज में जा सकता है, अगर असोज में जो गया तो उसकी बंदाई कम होगी। किसी भाई को अगर बेच कर ले, किसान भाई को जो जुआरे के बोते हैं असोज के, कोई भाई सरसों बो देता है, कोई लहसुन बो देता है, कोई किसान भाई आड़ू लगा देता है। तो मैं आसिफ भाई जी आपसे जानना चाह रहा, आप जो जैसी खेती ले हो, हाँ जी, इसका मेन कारण क्या है? आप अपनी खेत में कूड़ी का खाद ज़्यादा डालते हो और या फिर कुछ और ऐसी दवाई हो, किसानों को पता लगे कहाँ से आप लेते हो और क्या आप करते हो? भैया जो हमारे गांव में लाला जी हैं ताऊ जी, उनके वहाँ से मैं दवाई डालता हूँ। अच्छा। और दवाई तो उनके पास में डालता हूँ, और ज़्यादा कर तो मैं करता हूँ नुड़ाई गुड़ाई, मतलब जहाँ से भी आप रासायनिक दवाई लेते हो अपने गाँव के लाला जी वहाँ से लेते हो? हाँ जी बिल्कुल। चलो जी बहुत बढ़िया है, ताऊ जी ब्रिजेश हैं, उनके वहाँ से दवाई और काफ़ी अच्छी मिलती है दवाई है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस किसान भाई को मैंने आपको दवाई दिलवाई है वहाँ से, तो वे कहना आसिफ भाई आपका अच्छा रिजल्ट आया है। कहने का मतलब ये है कि वे बेचारे जो दवाई देते हैं दुकान वाले, वे बिल्कुल 100% ओरिजिनल देते हैं। अनु कहते हैं किसान भाई कहीं पैसा वैसे देंगे से नहीं थोड़ी आता, किसान भाई का बहुत कष्ट का पैसा होता है। बिल्कुल, हम कह के 50 रुपये ले लें बनिए, नहीं तो बहुत बढ़िया लोग ऐसे भी हैं। हाँ जी, लोकल भेड़ रहे मजा ले रहे,
और किसी के जो भी होता होता है भाई। उनका कहना है कि किसान का पैसा कहीं महसूस नहीं आ रहा है, तो किसान का पैसा बहुत मजबूरी का है। अगर इस चीज को हम समझ जाए, देखो एक पैसा तो हमारा हो गया पैसा, लोकल पैसा, तो थम नहीं पाएगा हमारे पास में। अगर जो हमारा पैसा सच्चाई का हक का पैसा है, हलाल का, तो हमारे पास में थम जाएगा, बिल्कुल काम भी आएगा। ये तो बात खैर है आसिफ भाई। तो भाई इसके बाद आपके पास टोटल जमीन आपने कितनी वो रखी है? टोटल जमीन मैंने आपके ठेके पे ली थी 43 बीघे भैया, और हमारी जो घर की है वो 60 बीघे है, और हमारे पिताजी दो भाई हैं, और 33 बीघे बो रही है। हाँ जी भैया। और आपने इस बार कुछ नया बीज भी बोया? हाँ नया बीज बोया भैया। कौन सा? मैंने 14/2 बोया और 15/23 तो मेरा पहला था ही पिछले साल का। मैंने इसमें क्या करा, जैसे असोज में गन्ना कटवाया था तो उसके पोगले बच गए थे बड़ बड़े, तो मैंने पोगले तोड़ के पोगले मैंने बो दिए, क्योंकि मेरा 2 बीघा बीज बन गया और 39 बो दिया और 14/2 मील में से लिया था भैया। मैं कहने का मतलब है भाई जी बहुत मेहनत करते हैं हर बीज को तैयार करने के लिए, एक अलग ही अपना दिमाग लगाते हैं। आँख का ये जो 15/23 है ये मील से मिला था मुझे 14 रुपए की आँख, तो 200 आँख ली थी भैया मैंने, और मैंने ये घर तैयार करी थी कॉफी गिलास में अच्छे तरीके से, फिर यहाँ ला के खेत पे डोल काट के उन पर लगाई मैंने। ये जो आपने जो बो रखा है आँख का बो रखा था 15/23। देखो जी 15/23, अरे गंडा देख लो भाई साहब, मैंने करा दिमाग ठीक हो जाए लोगों का, और हमारे यहाँ गंडा नहीं हो रहा आसिफ भाई। बिल्कुल यार पता क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत किसानों ने 15/23 वो रखा और मतलब पौधा गन्ना बोकर परेशान है। देखो ये जूना भाई, ये जूना लग गया, ये लग गया दूसरा जूना भाई, ये देखो मतलब जूना दूसरा जूना बंद गया भाई। यो लो आजकल में जूना लगा देंगे, और दूसरे जूने बंधने का मतलब है जो हमारी यह गोंड है या जूने तो ऊपर होनी चाहिए भाई। हाँ जी यो जब मनो एक बंधाई। हाँ जी यो अब देखो मैंने 2 बिलान पूरी ले ली है निचले जूने से। हाँ पूरी 2 बिलान किसान भाई ले ली है, और कोई भी गन्ने का मूंड बंधना नहीं चाहिए। हाँ जी देखो ये सारे आप ये सारे पाड़ दो आप यहाँ से। हाँ ये देखो सारे ये बंद गया भाई, ये रिमोट मोटे गन्ने सारी गोंड होनी चाहिए भाई। ये देखो किसान भाई देखो निचले अपना 28 इंच में किसान भाई बो रहे हैं, देखो तो उन्हें गन्ने 3 गन्ने इधर के 3 इधर के 3 इस साइड के 3 इस साइड के 12 गन्ने बांध देने चाहिए, ना तो छोटा और ना बड़ा। और फिर दूसरी बात है करना चाहिए, क्यों किसान भाई लेबर वाले दिन पकड़ लिया किसान के मैडे, और उन्हें तो भाई बीघा खैच का गांठ मारनी। और फिर दूसरी बात है गन्ना वो बंद हो भाई जिसकी गोंड मोटी होगी और ऊपर चली गई हो भैया गोंड भैया नहीं, अब इसके ये सब चल जाएंगे ऊपर को। हाँ जी और जिसमें हम पौधा देखो ली एक भी ब्यांत नहीं इसमें खिंड रहा कि नीचे कोई ब्यांत पैदा हो रहा है या ब्यांत बंद गया हो, सारे बिल्कुल ओरिजिनल गन्ने ही बंद रहे। तो एक बार आप आगे और चलो जी, एक और बताओ दिखाओ मेढा बांध के भाई जी, आ जाओ भैया कोई सही मेढा बांध लो, ये दोबारा बंधा जा रहा है यार आपका, आप इसे बांध ही नहीं रहे हो भैया क्या नाम है। ये देखो ये भाई जी ने एक मेढा और बांध दिया, देखो जी सारे के सारे बिल्कुल यही बंध रहे भाई मोटे मोटे, ये बंध गया भाई जी ने एक और बांध दिया भाई। यो लो भैया क्या नाम है, तो हमने ये बंधा ही होती है भाई गन्ने की, और गांठ इस तरीके मार दी। यो लो ये लो जी ये देखो जी भाई साहब मेढा तो हिलने का नहीं, और ये देखो जी ये देखो जी कितना मोटा फुग्गा यो है जी 23 बीज 23-15 हरनू कह जी गन्ना नहीं होता है, देखो जी इतना जबरदस्त गन्ना हो रहा भाई से है। देखो जी अरे मैं तो खुद हैरान हूँ इतना बढ़िया गन्ना हो रहा है खेत में यार, देख लो हमारे यहाँ परेशान है लड़ जैसा गन्ना हो रहा है। देखो देखो जी ऐसा क्या करें यार आसिफ भाई, ऐसा क्या करते हो यार आप कि दुनिया के पास वाकई में पौधे गन्ने में परेशान है। भैया क्या नाम है, मैं तो किसान भाई कह रहा अपना देसी खाद यूज करो, ये जो हमारा केमिकल है बहुत कम इस्तेमाल करो। मैं खुद कहना चाहता हूँ हमारा जो कृषि विभाग है ना हिंदुस्तान में वो बहुत बड़े क्षेत्र पे है, बिल्कुल जी, पर लेकिन लोग की जो सोच है ना हाँ वो खराब हो चुकी है, बिल्कुल जी। टोटल का टोटल हमारा किसान जा चुका है रासायनिक मटेरियल पे, बिल्कुल जी। जब तक आप रासायनिक मटेरियल को नहीं छोड़ोगे बिल्कुल, और उसको बदल के आप अपने पॉजिटिव मतलब कूड़ी का खाद जिसे बोलते हैं गोबर का खाद नहीं भाई आसिफ भाई, जब तक हम अपने खेत में ओरिजिनल कूड़े का खाद न डालेंगे तो हालत यही पैदा रहेगी किसान की, बिल्कुल जी भैया। वो दवाई डालता रहेगा और कुत्ते की तरह भागता रहेगा जी, और गन्ना पैदा नहीं होगा जी, चाहे किसी को बुरा लगे हाँ और चाहे किसी को भला लगे। एक ये देखो भाई ने बांध दिया मेरा, एक और दिखाओ मेरा सामने बांध कर, बीज का नाम बताओ जी क्या है। बीज का नाम है भैया 15/23 15/23 हाँ जी। और मेरा देखो जी यो सामने बंधाई कर रहा है मेरा भाई,
ये देखो जी, ये बांध दिया पहली बंधाई के बाद दूसरी बार बंधाई, यार कारण मन्ना बता दिया भाई साहब, अपनी मिट्टी पे काम करो, जब अपनी मिट्टी पे काम करोगे तो गन्ना ऐसा ही पैदा होगा। जब हम अपना और किसी भी ऑनलाइन वीडियो में बनाई हुई किसी भी दवाई का प्रोडक्ट का यूज करोगे, हैं कूड़ी के खाद को छोड़ के, हाँ जी ये डाल लो वो डाल लो, नहीं गलत तो नहीं करा से भाई, बिल्कुल सही है, मुझे बोले भाई मैं गलत तो नहीं करा, बिल्कुल भैया, तो ऐसे ही रहेगा भैया। हाँ जी, हमारे गन्ने में तो बंधाई नहीं हुई, हाँ। और हमारे गन्ने में तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा क्यों भाई? आसिफ भाई का सिर देखो कहाँ है, और पहला जूना ये बांधा, दूसरा जूना, सॉरी ये पहला जूना है और वो दूसरा जूना है, और देखो सामने बांध रखा, और वाक्य में आसिफ भाई की डिमांड है कि ऐसा क्यों, पूरी पेटी आप कहीं से भी देख लो दोबारा बंधाइए, ये पहला जूना लग चुका है। पहला जूना कब लगाया था आपने? पहला जूना लगाया था भैया मुझे आज तकरीबन, मानो चलो आज से 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, हाँ जी। और 10 दिन के बाद आज तारीख कितनी होगी? आज तारीख होगी 23 जुलाई, 23 जुलाई, 13 दिन हो गए, 13 दिन, और 13 दिन के बाद 16 ठाई जूना लग रहा, देख लो बिल्कुल बढ़िया, कोई गोंड वोंड नहीं दब रही है, एक भी गोंड नहीं दब रही भाई साहब, ये देख सकते हो आप। आसिफ भाई जी एक बार एक दो आप और मेढे बांध के दिखाओ, यार वाकई में दिल खुश कर रखा भाई जी ने, भाई देखो ये देखो जी भाई जी जूना अपना आप बांध रहे, ये देखो जी ये बांध दिया भाई जी ने एक और, भाई मैं तो पर ये देखो एक ये बांध दिया सामने, देखो जी कितना ठाड़ा गन्ना खड़ा हुआ है, और बंधाई बिल्कुल दबा कर रहे भाई जी, भाई मैंने तो पर ठेकेदार, थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है पर वाक्य में ही वीडियो में मजा आ रहा। तो आसिफ भाई जी ये 23 के बाद आ गया 0-18, ये 0-18 आ गया, 0-18 देखो जी भाई जी डोल आ गई सामने, और मैंने अभी कभी किसान भाई ने सोचा भाई पागल ही बना रहे हो, नहीं भाई, हाँ जी बिल्कुल, ये देखो जी मैं खुद दिखाऊंगा गन्ना आपको, झूठ तो मैं कुछ नहीं ऐसा, ये देखो जी ये है बिल्कुल पेड़ा गन्ना, पेड़ा गन्ना मिलेगा आपको बिल्कुल 23 का, हाँ जी देखो जी ये पार दी पत्ती भाई जी ने, और भाई जी और एक बार अब मैं काम करूंगा, ये जो सूखी पत्ती है नीचे की मैं इसे जुलाई से बाद में जो वो अगस्त आएगा अगस्त के महीने में हल्की हल्की पत्ती नीचे की जड़ोगी तार दूंगा, अच्छा क्योंकि उससे नीचे फूटना शुरू हो जाएगा। अब देखो जी भाई जी आगे डोल, देखो जी मैं भी डोल पे खड़ा हूँ, हाँ जी अब डोल के बिल्कुल अदर साइड में ही आ गया भाई जी का 118, और देखो जी कैसे खड़ा बिल्कुल सुमसान, कुछ भी घास नहीं, देखो ये तो मिनी घास जो पैदा होता है वो तो देखो हो गई, मेरा ना साफ खेत पड़ा है। ये आपने किस समय की बुआई करी भाई? ये मैंने भैया असोज की करी थी, असोज की बुआई है, यानी कि अक्टूबर में, हाँ 28 अक्टूबर को मान चलो, लेकिन 28 अक्टूबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 35 का तो ये कुछ भी नहीं बच्चा है, तो बिल्कुल भाई बिल्कुल बच्चा है, 35 का तो मुकाबला नहीं इसका, लेकिन हाँ उसके मुकाबले कम है, देखो भाई जी 15-0-23 का ये खड़ा देखो सामने गन्ना, और देखो जी ये 0-118 हाइट में भी कम है, पोगा तो खैर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है पर लेकिन हाइट में बहुत कम है अगर देखा जाए तो। देखो भैया इसका इसी गन्ने की तारीफ मार रहे थे हमारे बसाना मिल में कि आसिफ भाई 0-118 बो का देखो आप, और उसे एक बार यूज करो कि आप पसंद गन्ना कैसा, तो काफी किसान भाई तो मिल में भी कर लगे आसिफ भाई के पास मतलब गन्ना हो जाएगा कि वो मेहनत ज्यादा करते हैं, मैंने कोई ज्यादा दवाई वाई नहीं यूज करी ना मैं ज्यादा भाई किसान भाई दवाई, और देखो जी गन्ने की पूरी में कमी कुछ भी नहीं इसमें भाई, भाई मैं दवाई यूज नहीं करता बिल्कुल इतनी कोई खास, देखो जी पूरी लंबी है जी काफी है जी 0-118 का जो ये गन्ना है देखो जी पूरी एक एक बुलंद की इसकी भी है, पर लेकिन इसमें इसकी हाइट जो वो मजा है, ये तो पौधा गन्ना होगा, हाँ जी है जी बिल्कुल ना, यार ये तो हमसे भी गलती हुई कि मैंने हाइट का कंपैरिजन कर दे, क्योंकि ये पौधा गन्ना है वो पेड्डी गन्ना है, ये पौधा गन्ना होगा तो भैया इसलिए तो आपको, हाँ भाई ये देखो ये तो आसिफ भाई आपने मुझे बताया नहीं ये पौधा गन्ना है, ये पौधा गन्ना था जी अक्टूबर का महीना बोया और वो होगी पेड्डी गन्ना, हाँ वो तो पेड्डी गन्ना है, देखो जी आमने सामने इतना फर्क है, देखो ये बिल्कुल पीला गन्ना खड़ा हुआ है, पीला गन्ने का मतलब हो गया 23, हाँ जी ये इसका जो कॉपी गन्ना था पहले, हाँ जी उसका क्या नाम था उसका आज वो बेर गन्ना, नहीं 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 ये तो हो गया 15-0-23, हाँ जी 15-0-23 भी कॉपी आई थी हमारे पास, इससे पहले गन्ना था यही पीले कलर का, पीले वो 64 बोल रहे थे, 64 ये 64 की कॉपी गन्ना है, हाँ जी पर वाकई में इसने भी कमाल कर रखा, देखो जी 118 में आपने जो ये बो रखा मेरा भाई, हाँ भैया इसमें ब्यांत यार इससे कम है हमारे पास 23 से, हाँ 23 से बहुत कम है ब्यांत, नहीं मुझे तो मैं खुद बोल रहा इसमें ब्यांत 23 से बहुत कम है, हाँ जी बिल्कुल भैया, तो लो ब्यांत तो कोई बात नहीं पर हाँ। लेकिन देखो जी आप इसकी मोटाई देखो जी पहला जूना लग रहा है और इसके बाद देखो जी कितना मोटा है, आज की वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि भाई साहब बहुत ही जागरूक जानकारी ले रहे हैं भाई, आ जाओ तो भैया ये हमारा गन्ना है
चाइना में सोच रहा हुआ है 17-18 और ये हमारी आ गई 0-39 की मुड्ढी। अच्छा ये आ गई मुड्ढी, यह मुड्ढी आ गई 0-39 की। हाँ जी चलो जी, तो किसान भाई अपने मेहनत करे अच्छी तरीके से। और देख लो ये हमारा गन्ना अप्रैल का बोया हुआ है, ये अप्रैल का बोया हुआ गन्ना आपका। हाँ जी 20 अप्रैल का गन्ना बोया हुआ है। चलो जी बहुत बढ़िया, ये भी खड़ा। और भैया क्या नाम, मेहनत करो करो। और किसान भाई ज्यादा दवाई अपने सोच समझ के गे रहे, यहाँ पे से भी गे रहे। और भाई अपने मेहनत करो, अपने खेत में घास ऐसा ना होने दे खराब खराब, क्योंकि गन्ना हमारा जब नीचे वैसा घास नहीं तो गन्ना हमारा फूल फल के अच्छा गन्ना होगा। तो ये 0-18 जो आपका मैंने देखा था, हाँ जी, इसमें ऐसा क्या है कि इतना ब्यांत नहीं है, कुछ तो बताओ फर्क इसका। हाँ जी ब्यांत बहुत ज्यादा काफी अच्छा है 15-23 में। 15-23 में ब्यांत अच्छा है। हाँ जी उसमें 0-18 में, हाँ उसमें ब्यांत बहुत कम है जी। मुझे हालांकि ऐसा लग रहा है कि मुड्ढी ना होए, हो सके मुझे हो सके मुड्ढी इसकी हो सकती नहीं कि बुवेरी बुवेर होकर रह लेगी शायद, वो समय बताओगा। अभी समय बताओगा, मैंने अभी साल बोया है। जो आपने कितना बो रखा? ये मैंने डेढ़ रखा भैया, डेढ़ बीघा। डेढ़ बीघा बो रखा। हाँ जी